गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिप्रा और आज है सरस्वती पूजा। तो मैं सुबह सुबह पूजा कर रही हूँ एंड सुबह सुबह नहीं 10:30 बज रहा है। और हाँ, आज मैंने साड़ी पहने क्योंकि छोटा मैंने हम सब साड़ी पहन के घूमते थे, इसी वजह से सरस्वती पूजा मैच फिट से मैंने साड़ी पहन लिए है। एंड मेरे सोनू भी पूजा करे, जैसे जैसे मैं अगरबत्ती दिखाती जहाँ जाओ वो भी दिखा रही है एंड जो जो मैं कर रही हूँ वो कर रही है। उसके बाद मैंने थोड़ा स्किन केयर किया, पैक वगैरह लगाया क्योंकि आज मुझे जाना है शादी में, इसी वजह से। एंड मेरे पीछे जो है ना टावल टंगा हुआ, तो उसको इग्नोर करना, ओके। एंड अभी लाए पापा जी गिफ्ट, तो वो देख रहे थे जो शादी में देना है। तो बट देखिए सोनू क्या कर रही, वही देखेगी, हम लोगों को देखने नहीं दे रही है। बस वो बेड को इग्नोर करना है, बस वो ऐसे ही मैसी मैसी करके रख देती है, बेडशीट वगैरह सब कुछ हटा देती है। एंड देखिए क्या कर रही है ये इसको, एंड उसको देना है तो अच्छा से फिक्स करके भी रखना पड़ेगा ना। एंड यहाँ पर साड़ी, एंड देखते कैसा है कलर, तो बहुत ही अच्छा है, पेटी कोट है एंड ये साड़ी एंड कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत है साड़ी। और अभी हम लोग आए हैं पार्लर क्योंकि मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग करना, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हो चुका है। एंड अभी शाम को 5 बज रहे हैं एंड मैंने थ्रेडिंग कर लिए है। एंड घर पे आने के बाद थोड़ा सा मैंने नाश्ता किया एंड उसके बाद मैं साड़ी में जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और हाँ, मैंने साड़ी पहने हैं, यस, क्योंकि विंटर टाइम है तो फुल स्लीव ब्लाउज के साथ मैंने ये वाला साड़ी पहन लिए है। एंड मैं थोड़ा सा अपना मेकअप करूँगी, ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करेंगे। और हम उसके साथ जो मैंने वेयर किया ना ब्लाउज, वो एक्चुअली मैं ब्लाउज नहीं है, क्रॉप टॉप है, उसको मैंने वेयर किए हैं। एंड देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है एंड मेरे सोनू को ना बुकू बुकू कर रही हूँ क्योंकि मेरे सोनू बदमाशी कर रही है, मैं जो मेकअप के लिए ले रही हूँ वही वो लेगी, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा डांट लगाना पड़ता है मेरे सोनू को। और अभी हम लोग आ गए हैं बहन के घर पे और बहन की ननद है, इन्हीं का शादी है। एंड ये जो बहन है ना उसका ननद है, इनकी इधर है चाची, मम्मी है एंड यहाँ पे दादी, एंड ये है ननद, ये छोटी वाली ननद है। एंड मेरे सोनू यहाँ पे खड़ी होकर देख रही है कैसे कैसे मेकअप करे, कौन क्या कर रही है, मैं भी थोड़ा सा शूट कर ले रही है इसी बीच। एंड चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, सबको जाएंगे मंदिर। और इधर जो है दुल्हन के भाई लोग मिलके नाश्ता पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि मंदिर में यही सब चलता है। कैसा लग रहा है? देखो यहाँ पैकिंग हो रहा है। अभी सबसे पहले दुल्हन को लेकर जाएंगे मंदिर, सबको मिलकर ही जाएंगे, अन्य हम लोग बाद में जाएंगे क्योंकि कार में जगह फुल हो चुका था, इसी वजह से मिल जा रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं दे पाई क्योंकि गाना बज रहा था, इसी वजह से मैंने सबको बोला हाई कर दो वरना कॉपीराइट आ जाएगा। एंड चलिए चलते हैं एंड एक एक करके कार में सबको बैठे तो हम लोग कार में बैठ चुके हैं एंड सबका जगह तो नहीं हुआ था, बहन लोग रुक गया, फिर से लोग बाद में आएंगे। एंड ज़्यादा दूर में मंदिर नहीं है, पास में ही है, बस तुरंत जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे रिटर्न लेने के लिए उन लोगों को। एंड चलिए चलते हैं मंदिर में, जाके मिलती हूँ आप सभी से। एंड यहाँ पे द्वार जो है बारात लग चुका है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं परछन्ना ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे चाची से नहीं पता, तो चाची से पहले कर रही है, मैंने सबको परछ रही थी, बट मैं बाद में गई जब चाची कर रही थी, मिलकर कपड़ा चाची वगैरह सबको मिल के परछेंगे। हाँ, आते आते मैंने सोनू का जो है ना गेट में हाथ भी चपा गया था, इस वजह से मेरे सोनू भी बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फूल गिर चुका है हाथ इसी वजह से। एंड इधर जो है दूल्हा का एंट्री है, तो मैं यहाँ से शूट कर ले रही हूँ। एंड मैं जितना कोश हुआ हम उसको मैंने शूट अच्छे से किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। एंड मैंने सोनू जब सो जाती है उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाती थी, तो उसको लेके मैं बैठ के रहती हूँ गोद में लेकर। एंड ये है दूल्हा, देख सकते हैं दूल्हे राजा भी जा रहे हैं, मंडप में पधार रहे हैं। सोनू मेरी सो चुकी है, आगे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, इधर सारा लेडीज ग्रुप बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।